Mystic, MY17, KTM, Duke 390 है ना गाड़ी, HLU पे आ गए। एंटर, हेडलाइट करने के लिए है। हाँ एंटर हो गया, एंटर हो गया। ईसीयू फ्लैश, हाँ हेडलाइट पे भी ईसीयू फ्लैश। हाँ फ्लैश ईसीयू तो हर किसी में आएगा। अच्छा अच्छा, अब इसकी फाइल चेक करनी मतलब है। मतलब पहले आप फ्लैश एसीयू पे गए फिर वापसी आ गए? नहीं नहीं, वो वापसी पहले इसकी फाइल चेक करनी है हमें, कौन सी पड़ी है। वो गलत कर गए थे, वो इसमें रीड मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन में चेक होगी। हाँ। ये एंटर मारा, ये आ गए। पहले इसका बूट लोडर चेक करना है। अच्छा, ये है बूट लोडर या ये वाला ईसीयू बूट लोडर। एंटर, जिसमें 7 है और फाइल 20 पड़ी है उसे फ्लैश करना है। ठीक है, मतलब 7 है और 5 जिसमें 7 है ये। हाँ। और एप्लीकेशन इसकी 20 पड़ी है, वो दिखाना, एप्लीकेशन दिखाना। अभी बूट लोडर ये हो गया 7 है। ठीक है। हाँ। बैक और इसकी फाइल हो गई है। अच्छा, अगर ये 20 है। हाँ। तो ही फ्लैश करना है 23। अच्छा ठीक है। हाँ। अभी ये बैक आ गए। अगर जैसे 20 है 23 करनी है तो कैसे करेंगे उसके लिए? वो फ्लैश ईसीयू में जाके। अच्छा, यहाँ करा, यहाँ पे डिलीट मारा इसका। अब ये 23 पड़ी है ना। हाँ हाँ, इसको एंटर कर दिया। एंटर कर दिया और वही की डाल दी जो डालते हैं। अच्छा अच्छा, बस यही है इसमें। अच्छा, TFT फ्लैश करने की ज़रूरत कब पड़ती है? वो TFT के लिए हेडलाइट, हेडलाइट फ्लैश करने की ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं तुम्हें। मतलब कभी अगर पड़ भी जाए तो आप फ्लिंकरिंग कर रही हो, हेडलाइट जल बुझ रही हो, पहले फ्लैश करो उसके बाद देखो।